आप लोग? बहुत बढ़िया बढ़िया। ट्रिप के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। आप थोड़ी सी हेल्थ के नॉलेज ले लेते हैं कि पहले तो हमने डेमो देखा, डेमो हमें क्या सीखा कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है ना। तो हेल्थ के बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं जब कहीं जाते हैं ना हम। तो हेल्थ सप्लीमेंट पे देखो सबसे ज्यादा बीवी होती है, सबसे ज्यादा जो काम चलता है वो, क्योंकि सब पे हम देखो तेल साबुन तो नहीं थोप सकते हैं, है ना। मान लो कहीं हम गए उसको तेल साबुन की जरूरत ही नहीं है तो वहाँ हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। वहाँ हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट से, क्योंकि हर घर में आपको कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड मरीज मिल जाएगा। उसे शुगर का मिल जाएगा, बीपी का मिल जाएगा, और औरतें तो किसी का ज्वाइंट पेन है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। या बच्चा है छोटा घर में तो मतलब हेल्थ सप्लीमेंट तो चाहिए चाहिए। तो आज एक आध हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं हम। थोड़ा सा लोनी के बारे में सबको पता है, ठीक है। आज थोड़ा ना यूनिक करते हैं हम, आज थोड़ा कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। लोनी के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये हम सुनते आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आज थोड़ा नया देखेंगे हम। नया क्या देखेंगे? जैसे कि स्प्रिलुना, स्प्रिलुना के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं कार्डियो एक्टिव के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। कार्डियो एक्टिव के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है, है ना। क्योंकि देखो नोनी सब बता देते हैं कि नोनी है, ऐसे ऐसे काम करता है ना। कई कई बार हम जैसे गार्लिक भी दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मार्ट, प्रोटीन, आंवला जूस सब दे देते हैं, लेकिन कार्डियो एक्टिव के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। एक आध चीजें उनके बारे में जान लेते हैं। कार्डियो एक्टिव देखो करता क्या है, ये हमारे हार्ट पे काम करता है बहुत अच्छा। ये स्पेशली जो होता है हमारे हार्ट के लिए होता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो मतलब इसमें कम से कम 6 जड़ी बूटी डली हुई है मेन में, वो क्या हमारे हार्ट पे कैसे कैसे काम करती है ये जानेंगे आज हम। तो कार्डियो एक्टिव का जो मेन काम होता है हमारे हार्ट को हेल्दी करना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला जो तत्व होता है उसे बोलते हैं अर्जुन। अर्जुन सुना है? अर्जुन नाम का एक तत्व होता है। आंवला जैसे होता है ना, ये चौड़ा उसमें लंबा शेप होता है, कुछ ऐसा शेप का होता है ये, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे शेप का होता है ये, और खाने पे आंवला जैसा लगता है। तो इसे इसमें अर्जुन एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसमें अर्जुन की छालियों का पाउडर बनाकर उसमें डाला गया है। अब ये क्या काम करता है, ये अब हमारे हार्ट में ना देखो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे हार्ट में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। ये दो, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जो एलडीएल होता है ये बैड होता है, और एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये क्या करता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट यानी कार्डियो एक्टिव क्या करता है, ये एलडीएल को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज का मतलब कम कर देता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। यानी कि हमारे हार्ट को हेल्दी कैसे रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के, साथ ही साथ ये हमारे बीपी को कंट्रोल और रेगुलेट कर देता है। बीपी पे बहुत अच्छा काम करता है ये, चाहे आपका बीपी लो हो चाहे हाई हो ये एकदम मेंटेन कर देगा। जो इसमें दूसरा तत्व होता है उसे बोलते हैं गुगलू। गुगलू नाम का एक तत्व होता है, ये थोड़ा देखने में उसकी तरह शेप होता है इसका, डोडा वर्गीस है ना वैसा होता है, ब्लैक कलर का, जैसे डोडा वर्गी होती है ना ब्लैक कलर की शेप, उसका हल्का बहुत वैसा उससे मैच करता है। ये क्या काम करता है, ये भी सेम ऐसा ही काम करता है, ये भी बीपी पे ही काम करता है, और हमारे लिपिड लेवल होता है उस पर काम करता है। तीसरा इसमें अश्वगंधा होता है, सभी लोगों ने सुना है अश्वगंधा नाम का तत्व होता है। इसमें अश्वगंधा क्या करता है कि हमारे हार्ट को एकदम फ्रेश रखता है। फ्रेश कहने का मतलब जमा, जैसे कि बोलते हैं ना कि इंसान बूढ़ा होता है, तो एक्चुअल में होता है क्या, इंसान बूढ़ा नहीं होता, हमारा जो हार्ट है ना हमारे शरीर के पार्ट्स है वो बूढ़े होते हैं, इंसान का भी बूढ़ा नहीं होता। जैसे कि हार्ट है, कोई इंसान अगर 40 साल का है ना तो वो 40 साल का वो नहीं है, उसका हार्ट 40 साल पुराना हो गया है। तो ये क्या काम करता है अश्वगंधा, ये हमारे हार्ट को यंग रखता है ज्यादा टाइम तक, एकदम फ्रेश रखता है। इसका काम क्या है, हमारे हार्ट को ये यंग रखता है, हमेशा फ्रेश रखता है एकदम। चौथा इसमें होता है अनार। अनार सभी को पता है ब्लड में बहुत अच्छा काम करता है ना, हमारे शरीर में खून बढ़ाता है अनार। तो ये कार्डियो एक्टिव में किस लिए डाला गया, इसे ये क्या हार्ट को तो बहुत अच्छा काम करता है, ये करता है
साथ में हमारे ब्लड डेंसिटी पे काम करता है। ब्लड डेंसिटी का मतलब किसी किसी का खून क्या होता है, मोटा होता है, गाढ़ा होता है, और किसी किसी का एकदम पतला होता है। अनार को इसमें इसलिए मिलाया गया है ताकि आपके हार्ट में ना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मेंटेन रहे एकदम, ना एकदम वो ज्यादा मतलब गाढ़ा हो ना एकदम हल्का हो, जितना चाहिए होता शरीर को वो डेंसिटी को एकदम बना के रखे। तो इसलिए इसमें अनार मिलाया गया है, किस लिए? ब्लड डेंसिटी को लेवल में रखने के लिए। पांचवा इसमें है गोटू कला। गोटू कला पत्ते होते हैं, ये जड़ी बूटी होती है, जैसे गोटू कला का फेस वॉश भी आता है हमारे पास, है ना श्लोका का। गोटू कला एक तत्व है। अब ये क्या काम करता है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है मैं बता दूं, दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। अब ये गोटू कला क्या काम करता है, हमारे आरबीसी को ना बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स पे काम करता है, यानी हमारे जो अंदर आरबीसी यानी खून के जो तत्व होता है ना आरबीसी, इसको बढ़ाता है, आरबीसी पे बहुत अच्छा काम करता है ये। और एक लास्ट में जो सबसे अच्छा तत्व होता है उसे बोलते हैं शंख भस्म। जैसे कि होता है ना छोटे छोटे शंख, देखा होगा गाँव में, देखा होगा खेतों में व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे होते हैं, उसका भस्म होता है, इसमें जो छठा तत्व होता है उसे बोलते हैं शंख भस्म। अब ये क्या करता है, इसका जो काम है हमारे हार्ट में ना पतली पतली मसल्स होती हैं, हमारे हार्ट के मसल्स को एकदम मजबूत करता है। क्या करता है, हमारे हार्ट में जो पतली पतली मसल्स होती हैं, समझ आ रहा है ना सभी लोगों को, हमारे हार्ट में जो पतली पतली, देखो होगा ना कभी हार्ट का आप वो देखो डायग्राम देखो, उसमें पतली पतली सी लाइन जारी होती है ना, वो एकदम नसें होती हैं, उनको क्या करता है मजबूत रखता है, एकदम बांधे हुए रखता है, कहीं ब्लॉकेज नहीं होती है उसमें, एकदम स्ट्रांग रखता है। तो ये छह तरह के तत्व होते हैं। तो ये अब पता है ना कार्डियो एक्टिव किस पे काम करता है, नहीं हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, हमारे हार्ट को हमेशा यंग रखेगा, क्योंकि ज्यादातर जो देखो बीमारियां होती है वो हार्ट अटैक सबको देखो मतलब आप सुनने को मिलेगा हार्ट अटैक से चला गया ये बंदा इतना अमीर था इतना पैसा, लेकिन हार्ट अटैक को कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम कार्डियो एक्टिव ले रहे हैं तो ये हमारे बीपी को लेवल में रखेगा, साथ ही साथ हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा। और ये छह तत्व होते हैं, किसका क्या काम होता है ये मैंने बता दिया आपको, अच्छा है। क्योंकि हर बार हम एक ही प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, हर बार नोनी नोनी, तो और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट, उनके बारे में नॉलेज जरूरी होती है। और एक इसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट होता है थोड़ा थोड़ा, वो सेम इसी की तरह काम करता है, जिसका नाम है गार्लिक पल्स। गार्लिक पल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। गार्लिक पल्स क्या होता है, गार्लिक मतलब लहसुन, है ना, गार्लिक मतलब होता है लहसुन। अब सभी लोगों को पता है लहसुन जो होता है जो लोग डायरेक्ट खाते हैं वो घुटनों के लिए जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है, जिसकी बॉडी अंदर से ठंडी होती है लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। सर्दियों में कई लोग इसका पेस्ट भी यूज करते हैं, गार्लिक पेस्ट भी यूज करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप किसी चीज को रसोई करके खाते हो ना, पका के खाते हो, तो उसकी जो तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। आप दूध है, जैसे दूध को कभी उबालोगे ना, इंसान को हमेशा कच्चा दूध ही पीना चाहिए, जो मैं करता हूँ हमेशा। अगर आप दूध को उबालते हो, देखो वैसे ही मार्केट में सही दूध तो आता है, पाउडर वाला दूध आता है सारा, क्लियर। जब आप उसे उबाल देते हो ना, उसमें टोटल देखो प्रोटीन कितना होता है, 3 ग्राम होता है टोटल प्रोटीन इतना होता है, लेकिन जब आप उसे उबाल देते हो तो इसमें से भी कम हो जाता है। तो कभी भी दूध कोशिश करो कि कच्चा ही दो, आप किसी को भी दो कच्चा ही दो दूध, ठीक है। तो जैसे कि जब हम लहसुन को रसोई करके खाते हैं तो उसके भी जो तत्व निकल जाते हैं, लेकिन गार्लिक पल्स में क्या किया गया है, लहसुन के मतलब उसका ना तेल बनाया गया और उसे एक कैप्सूल का जेल कैप्सूल टाइप में उसका रूप दे दिया गया, देखा होगा सभी ने जेल टाइप होता है वो, उसमें लहसुन का पेस्ट होता है। अभी कान देखो कैसे करता है, ये तीन चीज इनसे हमारी बीमारियां बहुत सारी फैलती है, जैसे एंटी फंगल है ना, फंगस जिसे बोलते हैं, दूसरा होता है एंटीबैक्टीरियल, तीसरा होता है एंटीवायरल।
ये तीन तरह की बीमारियां, मतलब इन तीन चीजों से बीमारियां होती है, जैसे बैक्टीरियल से टीबी होता है, एंटी बैक्टीरियल से वायरल, जैसे वायरल फीवर चल जाता है ना, जैसे फ्लू वगैरह होते हैं ये सब, तो इन तीनों से होने वाली कैसी भी बीमारी हो, जैसे कि कैसी भी एलर्जी हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल इंटरनल कहने का मतलब चाहे वो बाहरी कोई एलर्जी हो, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो शरीर के अंदर कैसी भी एलर्जी हो। कई बार होता है ना गले के अंदर दर्द होने लग जाता है, बहुत लोगों खाना नहीं खाया जाता है, कई लोगों के कई बार क्या होता है जैसे कि एक्सटर्नल की बात करो तो रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, है ना। तो एक्सटर्नल में जब बॉडी के बाहर कोई चीज होती है एलर्जी, और एक्सटर्नल में जब बॉडी के अंदर होती है, तो ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, इन सब से होने वाली बीमारियों से बचाता है हमें जो गार्लिक पल्स है। क्लियर इतना? चलिए आगे देख लेते हैं हम किन किन केसों में इसे हम प्रेफर कर सकते हैं, आगे किन किन चीजों पे काम करता है। तो सबसे पहले ये काम किस पे करता है, किसी को अगर सांस लेने की प्रॉब्लम है ना, सांस में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा उस पे, किसी को खांसी हो, खांसी आती हो, जैसे कि कई लोगों को देखो जब वो गर्मी में भी उठते हैं ना तो उन्हें सर्दी जुकाम टाइप लगता है, उनकी आंखों में से पानी आने लगता है, तो कई लोगों का होता है क्या, शरीर जो होता है अंदर पहले से ही, मतलब अंदर से ही ठंडा रहता है उनका, चाहे जैसे वो सर्दी हो तो ठंडा तो रहेगा, लेकिन गर्मी में भी कई लोगों का शरीर अंदर से ठंडा रहता है, तो उस केस में उन लोगों की सांस फूलती है, खांसी आती है और छींक आती है, उन्हें गर्मी में भी छींक आती है, और जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में से पानी आता है, क्योंकि उनकी बॉडी अंदर से ही ठंडी रहती है, और जो लहसुन होता है वो गर्म होता है। इससे रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम है तो इसमें हम गार्लिक पल्स को दे सकते हैं। क्लियर। दूसरा, ये हमारा एंटी कैंसर पे काम करता है, ये हमारा कैंसर पे भी, एंटी कैंसर, चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे वो ब्लड वाला कैंसर हो, अगर कोई गार्लिक पल्स ले रहा है तो कैंसर से बचा रहेगा, वो एंटी कैंसर पे काम करता है ये। अगर किसी को है ना, जैसे कि हमारे टीम में है एक जिनको ब्लड कैंसर हुआ है, तो उनको नोनी और गार्लिक पल्स ये दो चीजें दी है, तो काफी हद तक आराम पड़ा हुआ है, काफी हद तक। तीसरा, ये ब्लड शुगर पे काम करता है, जिनका अगर ब्लड शुगर है तो उस पर काम करता है ये। और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी कार्डियो एक्टिव में बताया, तो ये हमारे हार्ट पे भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि बताया ना कि दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल, एलडीएल बैड होता है, तो ये भी क्या करता है, एलडीएल को डिक्रीज करता है, एलडीएल को ये भी कम करता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गार्लिक पल्स का भी काम यही होता है कि ये एलडीएल को डिक्रीज कर देता है पूरी तरह से, और एचडीएल को बढ़ाता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, और एक बहुत अच्छा काम करता है ये हमारे बीपी, कैसे बीपी की प्रॉब्लम हो ये भी बीपी में बहुत अच्छा काम करता है गार्लिक पल्स। साथ ही साथ ये एक चीज और काम करता है, क्या ये एक्स्ट्रा काम क्या करता है कि आपने सुना होगा ना लोगों के अंदर खून के ना वो कहते हैं ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे कि किसी को अगर पैरालिसिस है तो उसमें भी हम इसे प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पैरालिसिस में क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर जो ब्लड होती है ना ब्लॉक हो जाती है, हाँ, तो ये क्या करता है ब्लड सर्कुलेशन को ना एकदम सही से रखता है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा, कई बार होता है ना ब्लड रुक सा जाता है, अगर देखो कोई इसका ना पूरा हुआ है, जैसे अगर किसी को पैरालिसिस है तो हम दो से तीन चीज उसे इकट्ठे अगर प्रेफर करें तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे कि गार्लिक पल्स, फ्लैक्स ऑयल और नून, ये तीन चीज दे सकते हैं अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ चीजें हैं इस पर हमारा गार्लिक पल्स काम करता है। क्लियर। चलिए अब इसलिए जैसे कि सुबह उठते ही हमें जब खाली पेट रहते हैं तो इसे हम एक कैप्सूल ले सकते हैं, इसमें जो जेल होती है, जेल वाली कैप्सूल होती है, खाली पेट सुबह गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। और किसी हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो बताओ मेरे को, किसी को नोनी के बारे में थोड़ा सा जानना हो पूरा, किसी को प्रोटीन के बारे में कुछ ऐसा, किसी को डिटॉक्स, मल्टी विटामिन, जिंसिंग कुछ, एक और कर लेते हैं डिटॉक्स का बता दो।
तीन सप्लीमेंट हो जाएगा है ना, तीन बहुत है, ये दो हो चुके हैं, एक और बता देता हूँ, डिटॉक्स बता दो। एक चीज और बता दो, ये सब आपको कैसे पता? जब हम ये लेते हैं ना तो मेरा दिमाग है जो बहुत ज्यादा खुराफाती है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, सब लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना, वेल ओनली जूस कंसेंट्रेटेड एनरिच विद कोकुम, इसमें कोकुम मिला हुआ है, इस पे लिख दिया है, ठीक है, लेना कैसे है, फर्स्ट थ्री डेज 5 ml ट्वाइस, दिन में दो बार लेना है, कहाँ नहीं देना है तो वो भी लिखा हुआ है इसे, ये देखो कब कब देना है, फोर चिल्ड्रन अबव 6 ईयर, जो 6 साल के ऊपर है उनको हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, हाफ डोज दे सकते हैं। अब इसमें क्या उन्हें हम नहीं दे सकते, कब नहीं दे सकते, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सब कुछ इसी पे है, अगर हम इसे देखें ना तो सारी नॉलेज हमें यहीं से मिल जाएगी, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। क्लियर? बाकी आप गूगल है, गूगल पे सर्च कर सकते हो, करते हैं तो कई बार लैंग्वेज अलग होती है, जैसे इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा, इसकी लैंग्वेज, आप कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लो ना जब, तो उसपे देख लो आप, सब कुछ नॉलेज वही रहती है, लेकिन वो फिर पता नहीं लगता है ना, सुन के ज्यादा अच्छे से पता लगता है। डिटॉक्स, डिटॉक्स का है यहाँ पे, ये देखो, अब देखो यहीं से देखते हो, देखो टॉक्स मतलब टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होती है उसको क्या करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिंजिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है, प्लस क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसे तत्व नहीं होते, देखो कुछ तो तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी ना अंदर, देखो कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अंदर की जो गंदगी होती है उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन वो पूरे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से देखो कई लोग स्मोक वगैरह करते हैं, जो नहीं भी करते हैं वो बाहर का सामान खाते हैं, उनका तेल बहुत बेकार होता है, जो नहीं भी खाते तो हम बहुत अच्छी सिटी में रहते हैं, पॉल्यूटेड सिटी है, बहुत ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली, बहुत सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं से करके हमारे अंदर गंदगी तो आनी ही आनी है, कैसे ना कैसे करके, तो सबको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि देखो कहीं हम सिर्फ बाहर से अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अंदर से कैसे अच्छे बनेंगे, अंदर से हम डिटॉक्स से अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसका काम होता है प्योरिफिकेशन का। कई लोग बोलते हैं हमारी हेल्थ नहीं बनती है, कितना भी खा लो हेल्थ इसलिए नहीं बनती क्योंकि चीजें प्योर नहीं है आज के टाइम पे। दूसरा क्या कि हमारे शरीर में होती है गंदगी, इस वजह से आप कितनी भी हेल्दी चीजें खा लो वो बॉडी पे नहीं लगती है। ठीक है? अगर हम डिटॉक्सिफाई अगर अपने शरीर को कर ले, अंदर से क्लीन कर ले, तो हम कुछ भी खाएंगे तो हमारे शरीर पर लगेगा। अब डिटॉक्स है क्या, जब आप किसी को बताने जाओगे ना, तो क्योंकि इसमें तो होती है कैप्सूल्स, तो उनको लगता है कि ये है मेडिसिन, एक्चुअली ये मेडिसिन नहीं है। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप जितने भी प्रोडक्ट्स लोगे ना हेल्थ सप्लीमेंट, सबके ऊपर लिखा हुआ वेल, ये वेल इंडस्ट्री से है। अब होता क्या, दो तरह की दो चीजें होती है, एक होता है इल और एक होता है वेल। इल मतलब जब हम बीमार पड़ते हैं ना, इल का मतलब होता है ना बीमार, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या देता है, मेडिसिन। तो जब हमें मेडिसिन मिलती है, यानी बीमारी पे हमें मेडिसिन मिलती है कि हम अब बीमार पड़े हमने खा ली, तो वो ही मेडिसिन। लेकिन वेल का मतलब क्या होता है, कोई चीज ऐसी हम खाएं जिससे हम बीमारी ना पड़े, तो ये दो अलग अलग चीजें हुई। तो वेल का मतलब ये होता है, ये कोई दवाइयां नहीं होती, इन्हें बोलते हैं फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट बोलते हैं। डिटॉक्स में होते कैप्सूल, लेकिन ये जो कैप्सूल है ये 8 तरह की जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसमें भी 8 तरह के तत्व मिले हुए हैं। ये याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना किसी चीज को अच्छे से, समझते हो किस चीज के बारे में, घुस जाते हो, सब चीज याद रहता है एकदम बढ़िया से, फिर आप धीरे धीरे जब आप बताने लगते हो। ज्यादातर देखो मेरा जो काम है सब सारे हेल्थ सप्लीमेंट पे चलता है, आंवला जूस पे भी चलता है, नोनी एलोवेरा, मतलब सारे हेल्थ सप्लीमेंट पे इंटेलेक्ट चला गया है, वरना उस पर भी काम हो जाता है। ठीक है? तो सब पे करना जरूरी है। तो डिटॉक्स में 8 तरह की चीजें होती हैं, एक काम क्या करता है वो बताएंगे, लेना कैसे वो बताएंगे। 8 तरह के तत्व होते हैं, सबसे पहला इसमें होता है त्रिफला। त्रिफला मतलब इसमें 3 फल होते हैं इकट्ठे, जैसे कि आंवला वगैरह टाइप इसमें फल होते हैं, तो इसे त्रिफला बोला जाता है, त्रिफला इसमें है डिटॉक्स में। दूसरा इसमें नीम है। तीसरा इसमें कात में करके है। चौथा रोहिड़ा, और इसे रोहिता का भी बोलते हैं, रोहिड़ा भी बोलते हैं, कई जगह से रोहिता का भी बोला जाता है। ये जड़ी बूटियां हैं। कुटकी सुना होगा आप लोगों ने, कुटकी सुना है ना कि नहीं सुना? जो गांव के लोग होते हैं उनसे पूछना, उन्हें पता होता है कुटकी, कुटकी होता है इसमें। और भृंगरस तो सुना ही होगा, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑयल भी आता है भृंगरस, तो इसमें भृंगरस तत्व भी होता है। दो
दो और होते हैं इसमें, एक होता है बापची और एक जो लास्ट होता है वो होता है वरुण। तो ये आठ तरह के तत्वों से मिलके बना हुआ है। अगर हम अगले बंदे को हमें पे नॉलेज हो ना तो हम बता सकते हैं कि अरे जड़ी बूटियों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आप देखो डिटॉक्स सिर्फ काम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, अगर इसमें भृंगराज है ना तो ये बालों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। बाकी नीम का तो आपको पता ही है, नीम का क्या काम होता है। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या है। अगर कोई स्मोक वगैरह कर रहा है उसके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाती है, टॉक्सिन को क्लियर करता है। लीवर में अगर किसी के फैट है तो लीवर से फैट भी हटा देता है। अगर किसी की सेहत नहीं बन रही है, उसकी बॉडी अंदर से गंदी होती है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है तो वहां पे भी दे सकते हैं। किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है या मुंह में छाले आते हैं वो भी पेट की गंदगी से ही होता है, तो उस केस में भी हम ये डिटॉक्स दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। अब इसे जैसे किसी को वेट रिड्यूस करना है तो उसमें भी डिटॉक्स देते हैं, लेकिन प्लस नोनी देते हैं। ठीक है, अगर किसी को फेस की प्रॉब्लम है तो नोनी हटा के प्लस उसमें एलोवेरा डाल देते हैं। तो कई जगह काम करता है ये, क्लियर। अब इसे लेना कैसे, इसे भी गुनगुने पानी के साथ लेना होता है सुबह के टाइम में। यहाँ पे जितने भी ज्यादातर जो हेल्थ सप्लीमेंट है एक आध को छोड़ के वो मील से पहले ही लेना होता है हमें गुनगुने पानी के साथ, क्लियर। खाली पेट, खाली पेट। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी आते रहेंगे तो नॉलेज मिलती है।